रनौत ने एक बार फिर से साधा है निशाना। आखिरकार ब्रह्मास्त्र को लेकर कंगना रनौत इस बार क्या कुछ आई है बोलते नजर। वल करण जौहर को कहीं ना कहीं फेक बताया है कंगना रनौत ने। वल बैक टू बैक क्या कुछ सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट, हम बताएंगे आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि बैक टू बैक करण जौहर जिस तरीके से अपने फिल्म को लेकर ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते नज़र आ रहे हैं कि फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो चुकी है। हालांकि फिल्म की लागत 180 करोड़ रुपए है और सिर्फ 250 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ऐसे में इतने में ही कहीं ना कहीं करण जौहर का ये मानना है कि पूरी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट कर दी गई है। हालांकि आपको बता दूं कि जब रेस 3 आई थी तो उस वक्त 300 करोड़ रुपए रेस 3 ने कमाया था। 180 करोड़ रुपए की बजट से ये फिल्म बनी थी, लेकिन तब भी रेस 3 को फ्लॉप फिल्म बताई गई थी। लेकिन बात करें करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र की, तो करण जौहर ने अपनी फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। ऐसे में ये सारी चीज़ें शेयर करते नज़र आई हैं कंगना रनौत। साथ ही साथ कंगना रनौत ने विवेक रंजन अग्निहोत्री की एक ट्वीट भी शेयर की है, जिसमें वो साफ तौर पर कहती नज़र आई हैं कि कश्मीर फाइल से जो चीज़ें कंपेयर की जा रही है ब्रह्मास्त्र को लेकर, तो कश्मीर फाइल्स शायद अपने लेवल पर कभी ब्रह्मास्त्र कश्मीर फाइल्स की जो लेवल है उस पर ब्रह्मास्त्र कभी पहुँच भी नहीं सकता।